शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नहीं, नहीं। अरे मैं तो पैर छू रही हूँ बाबा। ओह, मुझे लगा पटक रही हो। आज मैंने तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। वो क्या होता है? जिस पत्नी को अपने पति से बहुत प्यार हो, वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए उपवास रखती है। तुम उससे बहुत प्यार करती हो? हाँ जी। तो डाइवर्स हो ही नहीं सकता। क्या कहा? कुछ नहीं। हेलो हेलो, यो ब्रदर, तेरे लिए गुड न्यूज है। क्यों, मेरे ससुर मर गया? हे मैन, मैं तेरे सास और ससुर के बारे में नहीं, तेरी पत्नी के बारे में बोलना चाहता हूँ। योर वाइफ। सुनेगा ना तो गलकटे मुर्गे की तरह तड़फड़ाने लगेगा। गलकटे मुर्गे? ऐसे क्या किया मेरे मुर्गे ने? क्या किया? She's having an affair. उसका चक्कर चल रहा है। किसका टाइम आ गया? कौन दबके मरना चाह रहा है? कौन है हरामखोर? है गोरा। शादी काले के साथ और चक्कर गोरे के साथ। Hey, are you listening to me? सुन रहा मेरी बात? सुन रहा हूँ, तू रिपोर्ट देता रहे, मैं बाद में इसकी रिपोर्ट लेता हूँ। रिपोर्ट इज दिस, क्या आज तेरी वाइफ ने अपने बॉयफ्रेंड को गिफ्ट दिया? गिफ्ट? मुझे करवा चौथ का लॉलीपॉप, उसको गिफ्ट? बस ऐसे ही हो रहा है यार। वो एक को पकड़ती है, दूसरे को लिपटती है, तीसरे को देखती है और चौथे को छेड़ती है। यार वो बड़ी चक्करबाज नारी है यार। अपने साइज के हिसाब से जा रही है। इस नारी की ऐसी तरकारी बनाता हूँ कि सरकारी गाड़ी मुझे इज्जत से लेने आए। कौन है ये गोरा? कौन गोरा? तू जिसको गिफ्ट देती है, तेरा लफड़ा है। मेरा किसी के साथ लफड़ा नहीं है। तेरा लफड़ा है, लफड़ा है, तूने लफड़ा किया है। हाँ, मेरा लफड़ा है। रेकी के साथ। कौन? तुम्हारे साथ। अरे कालिया तो है, मगर वो गोरा कौन है? मुझे क्या मालूम? ये बोलती है नहीं मालूम। अरे तू कौन है? अरे ये रहा तेरा मोबाइल फोन, गलती से तूने मेरा फोन ले लिया। तब से इस फोन पे पता नहीं जीना टीना मीना पता नहीं किन किन नालायक लड़कियों के फोन आ रहे हैं। कहती है डार्लिंग 4 बजे मिलना, डार्लिंग 8 बजे मिलना, पता नहीं कौन कौन है यार। क्या तुम्हें इतनी सारी लड़कियों के फोन आते हैं? अरे वो सब डाइवोर्स के केसेस है यार। अब मैं समझी, तुम इतने बिजी कह रहे थे। अरे उर्मिला बोलोगे कि मैं ऐसे मार दूं? गोपाल, 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 ए, गोपाल, कौन गोपाल? ये तो राजू है। हाँ, हाँ, राजू गोपाल, गोपाल राजू, राजू गोपाल, गोपाल। अरे सामने से अटैक कर रहा था, ऐसा खींच के दिया है, सुबह तक नहीं उठेगा राजू गोपाल। कल सुबह तक तो क्या, अब लगता है ये उम्र भर नहीं उठेगा। मतलब? मेरा मतलब है कि ये तो दुनिया से उठ गया। ये तो माल गया। बहुत जोर से मारती है। सुन, मेरी बात सुन। तू मर चुका है और तू लाश बन के रहना। सुन, मेरी बात सुन। तू मरेगा तब बता कि राजू के पीछे क्यों पड़ी हुई है। चल, मर जा। ये तो सारी पम्मी करके देख ली, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। सचमुच मर गए? आई थिंक सो। तो क्या पुलिस आएगी? आएगी। मुझे जेल में लेकर जाएगी? लेकर जाएगी। मुझे फांसी पर लटकाएगी? लटकाएगी। मुझे बचा लीजिए, आप तो जानते हैं मैंने ये सब कुछ जानबूझ कर नहीं किया। आखिर राजू ने किया क्या था? हाँ, वो तो सब बाद में बताऊंगी। हाँ? अभी पहले बॉडी का कुछ कीजिए प्लीज। डोंट वरी, नोबडी हैज सीन अस। ओह माय गॉड, नोबडी हैज सीन अस। पागल हो गए हो क्या? वो लाश को मार डालेगा, इल्जाम उसके सर पे चला जाएगा, हम दोनों बच जाएंगे। अरे क्या बात कर रही हो, दोस्त है मेरा वो। क्या? अरे नहीं, तुम समझी नहीं। क्या? अगर उसने लाश की मुंडी काट दी ना, तो हम लोगों को मुंडी एक जगह पर ले जानी पड़ेगी और धड़ एक जगह पर ले जाना पड़ेगा, फंस जाएंगे हम लोग। क्या बात कर रहे हो? अरे इसको क्या हो गया? अभी तो उसे मार रहा था, अभी खुद कैसे लड़क गया? आत्मा, आत्मा ने झटका दे दिया और तुम भी तमीज से रहना। चलो इससे पहले कोई आ जाए, इस लाश को ठिकाना लगाना पड़ेगा हमको। चलो इससे जल्दी 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 इसके पहले कोई और आ जाए, लाश को ठिकाने लगा देते। ओके। इसकी उंगली तो मैं इसके तरफ से कर लेता हूँ यार, तुम टेंशन मत लो। चलो बच जाओ जल्दी से। चुप, तुमको नहीं बोल रहा हूँ। ये क्या है? इतना भी नहीं मालूम, ये जंक यार्ड है। वो तो मुझे भी पता है, लेकिन गाड़ी यहाँ क्यों रोकी है? यहाँ पे लाश का क्या करेंगे? सीधी सी बात है,
यहाँ पर गाड़ी स्क्रैप होती है और उसे कबाड़ खाने में फेंक दिया जाता है। गाड़ी के साथ साथ लाश भी स्क्रैप में चली जाएगी और किसी को कानों कान खबर तक नहीं होगी। मैं कहता बैठ, चुप बैठ, बोल रहा हूँ तुमको। ओह या, इट्स अ वेरी गुड आइडिया, कम ऑन लाश। मैंने तुमको भाव में नहीं लिया था क्या? और तुम एक पल के लिए सोचो ना कि तुम मुझसे प्यार करती हो और मुझे शादी करना चाहती हो। पुलिस आके दोनों को पकड़ लेगी, हम दोनों की जान जाएगी। मुझे क्या करना है? What's happening? Okay, let's go. Yeah. Thank God. चले गए। हाँ हाँ। सब चले गए। लेकिन उन्होंने लाश को देखा नहीं? हाँ, लाश को? अरे हाँ। अरे देखो ना, मरा हुआ भी कितना मासूम लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सो रहा है। आहा। अब क्या करें? हाँ? देखो, पुलिस ने इसका चेहरा पहचान लिया है। अब इस लाश को यहाँ पर ठिकाने लगाना ठीक नहीं। हम लोग काम करते हैं, इसको होटल ले जाते हैं और चैन से आराम से बैठ कर चाय पीते हुए सोचते हैं कि इस लाश को ठिकाने कहाँ लगाए। ओके ओके ओके। कंधी लाश कहीं थी? सुनो, लिपस्टिक साफ करो। ओ, ये कब लग गई? ओ ओ ओ ओ ओ ओ, आई डिडंट रियलाइज दैट। ओ कोई नहीं देख रहा, जल्दी अंदर चलो। जल्दी करो। हाँ। मैं मदद कर। नहीं, मैं अकेला ही ठीक हूँ, आपने जितना कर दिया काफी है। Excuse me, my room key, please. Sure. My room key, yeah, thank you. Something wrong? Nothing, he just got drunk. Don't worry, he's not looking at you. He's not staring at you, don't worry. Gopal, ye lash chuke kaise? Seedhi baat hai, kisi bhi lash ko chhodoge to jhuk jayegi. Ye to achhi lash hai, ki lash ho ke bhi lash jaisi nahi dikh rahi, dekho. Yes. To kuch pata nahi, mujhe to experience bhi nahi hai na. Jor jor se baatein mat karo, phas jayenge hum log. Oh, shit. Pehle isse chukao, chukao. Iski body. सीधी नहीं हो रही। ओह माय गॉड। देखो, एक बात बताओ, ये लाश इतना आकड़ क्यों रही है? अरे लाश को ठंडी लगे ना, कोई बात नहीं, लाश को ठंडी लगे, ठंडी लग गई। मरने के बाद भी हमारे पीछे पड़ी हुई है। कभी कभी ऐसा हो, क्या कर रहा है? क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? क्यों मार रही हो लाश को? लग जाएगा ना, क्यों मार रही हो उसको? मुझे घूर क्यों रहे? कहाँ घूर घूर के? अरे लाश है लाश, इसको एंजॉय करो। जी ऑरो शो नहीं देखा? ओके, मैं काम करता हूँ, मैं इसको चश्मा बना देता हूँ, आई कांटेक्ट टूट जाएगा। ये देखो, ये वो शो नहीं देखा तुमने? जी और राम से की पिक्चर, आराम से देखो कैसे आराम से पड़ा हुआ है। हाँ, मुझे लगता है तुमको भूख लगी है। हाँ। मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आता हूँ। भूख नहीं लगी, मैं अकेले कैसे रहूंगी? ये लाश कंपनी देगी ना, डोंट वरी, ऑल द बेस्ट, बाय। अच्छा, केले के छिलके पर फिसल कर आने का क्या मतलब है? योर ऑनर, मैं बहुत बड़ा फिसलू कैरेक्टर हूँ सर। मोहल्ले वाले कहते हैं कि हम खाना नहीं फिसलू हैं। एक बार मेरे बाप बारिश से कीचड़ में से फिसल के सीधे कोर्ट पहुंच गए थे। अचानक उनको याद आया और मेरी माँ को खर्चा पानी देना भूल गए और मेरी माँ बाथरूम में थी, डबल बी साबुन पे जो फिसली सीधे कोर्ट पहुंच गई। इसीलिए एज ए लॉयर मैं अपने क्लाइंट संजय खन्ना को पहुंचा के रहूंगा अपनी मंजिल तक, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप अपनी बीवी अंजलि खन्ना से किसी भी कीमत पर डिवोर्स चाहते हैं और वो मैं दिला के रहूंगा। यस योर ऑनर, अब मैं इस औरत के साथ एक पल भी नहीं रह सकता। अरे क्या, दुनिया का कोई आदमी रह नहीं सकता, ये इंसान थोड़ा ही है, ये फरिश्ता है, इनसे इनका क्या रिश्ता है? योर ऑनर, मैं खुद भी तंग आ गई इस आदमी से। आप इस तरह आपस में अदालत में झगड़ा नहीं कर सकते, आपका कोई वकील है? योर ऑनर, आई एम मिस अंजलि खन्ना एडवोकेट, राम करो रिपोर्टिंग। अरे ये क्या हाल बना रखा है, कुछ लेते क्यों नहीं? कितना लेगा सर, कोई लिमिट है?
ले लेके तो ये हाल है। हट, सब समझ रहा हूँ। ये सब इस कारस्तान नहीं हमारे बेटे नीम कैरी का। जो रहना केस हम जीतना चाह रहे थे हमको बाथरूम बंद करके आगे ससरा। लेकिन सच्चाई कभी बंद है का? हम दरवाजा तोड़ के हाथ देखा, साफ पूरा कपड़ा फटफटा गया है, कंडीशन देखा। योर ऑनर, मेरा पहला चार 7 जनवरी की रात को मिसेस अंजलि खन्ना हिल्टन होटल में मिस्टर मेनन के साथ थी। यू आर रॉन्ग। 7 जनवरी की रात को मेरे क्लाइंट मिस्टर मेनन के साथ नहीं, कन्नन के साथ थी। केरी अंकल, ज्यादा बोल दिया का? योर ऑनर, ये कन्नन कौन है? अरे केस लड़ने आए हो और कन्नन को नहीं जानते है? अरे चंदन का भाई कन्नन। अरे चंदन कौन है? मन्नन का बेटा चंदन। अब ये मन्नन कौन है? बप्पन का बाजू वाला। मगर ये बाजू वाले का इस केस से क्या लेना देना है जज साहब? देखा ही हो रहा ना, ये बुढ़बकवा को तो कुछ पता ही नहीं है। दरअसल अंजलि का किसी से कोई नाता ही नहीं है। अरे कोर्ट तो इनमें है, पिछले हफ्ते इन्होंने सुचना को 11 लाख का हीरो का हार दिया। बताइए, 11 लाख का हार नहीं, मेरे क्लाइंट संजय खन्ना ने 1100 रुपए का अमेरिकन डायमंड का हार दिया था। दैट्स ऑल। अभी ये क्या बोल रहा है तू? देखा है रनर, इन्होंने हार दिया मतलब इनका सुजना से भी चक्कर है। सुजना से क्या, मिलीना के साथ भी है। ये मिलीना कौन है? अरे जो लीलीना के साथ आई थी। अरे ये लीलीना कौन है? टीना की बाजू वाली। मगर बाजू वाली का ये कैसे का लेना देना है बेटे? वही जो चंदन मन्नन और बब्बन का था डैडी। डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट, अंडरस्टैंड? योर ऑनर, इसे कुछ भी नहीं आता है, आया केस लड़ने। मगर फिलहाल इनकी बीवी के साथ 11 लोगों का चक्कर है, 11, और इनका पति का चल रहा है चक्कर 25। 25 चक्कर कोई हद होती है सर? ये बाजी तली छा के पोते हैं, झूठ बोलते हैं सर, पागल हो गया है। दूसरों के भी कपड़े फाड़ते हैं और अपने भी फाड़ लेते हैं। देखो पड़ा हुआ। तुम दोनों पार्टियों ने ये साबित नहीं किया कि सच क्या है और गलत क्या है, और अदालत बगैर ठोस सबूत के कोई फैसला नहीं कर सकती। इसलिए अदालत आप दोनों को 1 महीना देती है। 1 महीने के अंदर तुम कोई ऐसा सबूत ले आओ जिससे ये साबित हो कि मोहतरमा गलत है। और मोहतरमा, 1 महीने के अंदर आप ऐसा कोई सबूत ले आइए जिससे ये साबित हो कि मोहतरम गलत है। तभी अदालत किसी नतीजे पर पहुंचेगी कि डिवोर्स का जजमेंट दिया जाए कि नहीं। अरे मर गया, मर गया, मर गया। अरे मर गया, मर गया, मर गया, मर गया, मर गया। अरे ये तो पहले से मरा है, वापस कैसे मरेगा? अरे मीना, समझा करो, लाश की कुल्फी हो जाएगी ना। लेकिन बाहर निकालेंगे तो लाश में से बदबू आ जाएगी ना। समझा करो, इधर रहेगा तो फ्रिज में बदबू आएगी ना। गया गया। हेलो, डेड बॉडी, डेड बॉडी है। अभी तक कुल्फी नहीं हुई। या या, इसका स्कोप है। तुम एक काम करो ना, तुम जाकर खड़ा खा, तब तक मैं लाश को ठिकाने लगाता हूँ। ओके, आदमी बड़ा अकड़ू रहा होगा, कितना अकड़ रहा है मर के भी। अब सीधा हो जाए। सही उड़ ले, नहीं तो मर जाएगा। निकलते निकलते रह गया है। वाओ, अबे क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है पागल? मरवाएगा क्या पागल? चुप जा, अभी चुप जा, अभी चुप कर ले। क्या हुआ? कुछ नहीं है, लाश बड़ी बदतमीज है। आप खाना खाइए। आप सुनो। हाँ, मैंने सुना है अंधेरे में हाँ भूत प्रेत घूमते रहते। हाँ हाँ, मैंने भी सुना है कि अंधेरा होने पर भूत लोग घूमते घूमते उमते काय का। मैंने तो सुना है कि हंसते खेलते नाचते गाते और खाते भी हैं। हाँ वो ये वो रे वो यो रे वो रे वो रे वो रे वो रे वो रे वो। ये क्या हो गया? अरे लाइट चली गई अपने आप। ये क्या हो रहा है? ये भूत डांस कर रहा है। उर्मिला इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। उर्मिला इधर, इधर। अरे अरे अरे, ये भूत तो वाकई डांस कर रहा है।
मुझे तो लगता है कि अब ये खाना भी खाएगा। ओ, देखो देखो खाना खाना शुरू कर दिया उसने। उर्मिला उर्मिला, ये राजू ने आखिर किया क्या था? ये राजू ने आखिर उर्मिला ये तो फिर लाश बन गया। हाँ, अंधेरा होते ही आत्मा आई, उजाले में आत्मा चली गई। तुम एक काम करो, तुम जल्दी से सो जाओ, क्योंकि हमें पांव फटते ही इस लाश को ठिकाने लगाना है। वैसे उर्मिला, राजू ने किया क्या था? बोलना यार। खाई पीछे की तरफ है, ओके? मैं लाश को ठिकाने लगाता हूँ। अच्छा, मैं भी आती हूँ तुम्हारे साथ। नहीं, तुम नहीं। हा? तुम चुपचाप यहीं पर बैठी रहो। ठंडी है। चलो, मैं भी तुम्हें हेल्प करती हूँ। ओके। क्या हुआ? तुमको फिर से देखा? फिर से देखा? इस लाश की तो ना, इस लाश की तो मैं ऐसे, ऐसे, ऐसी बैंड बजाऊंगा, ऐसी। अबे चलिए 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 चलिए, चल खुजा खुजा खुजा, अबे खुजा, चल। एक मिनट का रोड प्लीज। yes. आप हिंदुस्तानी हैं? आपने मुझे पहचाना? नहीं नहीं अभी नहीं 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 पहचाना। आप रोने क्यों लगे? ये बहुत दुख भरी कहानी है भैया। एक बार कुंभ का मेला लगा हुआ था। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में? नहीं, इंडिया में। मैं और मेरा जुड़वा भाई सोहन, मैं मोहन, वो बाएं था, मैं दाएं था, और बीच में तुम्हारी माँ थी? नहीं, बाप था। हम तीनों खुशी खुशी जा रहे थे तो अचानक वो मेरी बैग लेके भागा। कौन, बाप? नहीं, चोर। ओ। मैं कुछ नहीं कर सका, मैं चिल्लाया, बापू, वो बैग लेके भाग रहा है। वो भी उसके पीछे भागा। कौन, बाप? मेरा भाई। चोर आगे था, मेरे भाई पीछे था। चोर आगे, मेरे भाई पीछे, दोनों भाग रहे थे, मैं चिल्ला रहा था, और वो धड़ाम से गिर गया। तुम्हारा भाई? मेरा बाप। वो पिया हुआ था, पुलिस आकर उसको पकड़ लिया। चोर को? मेरे बाप को। और उसे मारने लगे। पर तुम्हारे बाप को क्यों मारने लगे? वो उन्हें चोर समझ रहे थे, इतने में वो भाग गया। चोर? मेरा भाई। तब से उसको आज तक ढूंढ रहा हूँ। चोर को? नहीं, मेरे भाई को। कमाल है, लेकिन आपका भाई इंडिया में खोया, आप उसे यहाँ क्यों ढूंढ रहे हैं? अरे भाई, खोया होता तो बात अलग थी ना, वो तो मौका देख के भाग गया है। और उसे कोई ज्यादा शौक नहीं था, सिर्फ दो ही शौक थे, एक तो कंगारू देखने का और एक पॉकेट मारने का। अब आप ही बताइए, पॉकेट मारने के लिए ट्राम से कोई अच्छी जगह है? इसलिए मैंने ये ट्राम कंडक्टर की नौकरी कर ली। सोचा कभी न कभी यहाँ पॉकेट मारने आएगा और उसे देख लूंगा और उसे मिल लूंगा। आ गया। तुम्हारा भाई? तुम्हारा स्टेशन। सुनिए 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 सुनिए, अगर वो नालायक जिसकी वजह से मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ, अगर वो मिल जाए ना, तो ये दे देना मेरा कार्ड। कौन, चोर को? मेरे भाई को, सोहन को। भेजा घुमा दिया मेरा यारी साधवी ने। He's turning my head. What, me? No, मेरे बाप। लिसन वॉचमैन, सॉरी, हम किस अनपढ़ से बात कर रहा है, तुम शायद आपको जानता नहीं होगा। चौकीदार? क्या कहा? चौकीदार? तो क्या शानदार बंगले का मालिक हूँ तुमको? तुम कौन हो? ओ, तुम्हारी ये औकात तुम्हारा इंट्रोडक्शन लेगा है? हम राजा का दोस्त है, किधर राजा? वो गया जानू में। तुम दो कौड़ी का आदमी अपने मालिक के लिए ऐसा बोलता है? ठहरो, उसको बोल के तुम्हें नौकरी से निकलवा देता हूँ अभी। और मैं तुम्हें इस दुनिया से ही निकाल देता हूँ। अबे गोपाल, अबे तू यहाँ क्यों आ गया? अरे तुम्हें मना किया था ना। अरे यार पागल, तो बता मेरे को यार। ए छजूंदर, तू सामने आ। सामने क्यों? गोली खाने को? आज तू बचेगा नहीं। अरे ससुर जी, ये मेरा दोस्त है गोपाल, हम लोग न्यूजीलैंड में एक साथ काम करते थे। ये क्यों नहीं कहता कि साथ में भजिया तलते थे? गोपाल, क्या हुआ बेटा? गोली की आवाज, गोली कैसे चली? ये देखिए, एक तो पहले से था, एक और आ गया। ये दोस्त है इसका, अब ये दोनों मिलकर यहाँ पाव भजिया इडली वड़ा बनाएंगे और इस हवेली को कैंटीन बना देंगे। सो
चांद बेटा। जो गांव वाले इस हवेली के पास से गुजरने को डरते थे वो यहाँ 2 रुपए में भजिया खाएंगे बैठकर। ये कैसा चौकीदार है? He's not चौकीदार, he's जमीदार man, he's my father-in-law, ससुरा। तूने इस डाकू की बेटी से शादी कर ली? अबे वो स्टोरी मैं तुझे बाद में बताऊंगा। हाँ मैं तुझे पहले दादी जी से मिलाता हूँ। दादी जी से। ये है मेरी सासू जी। ओ सासू जी। हमेशा ऐसी ही गलतियां करता रहता है। हाँ मैं तुझे तेरी भाभी से मिलाता हूँ। भाभी से मिलाता हूँ, तुझे भाभी को नहीं जानता। अबे यार गड़बड़ मत करना। बीवी है तो भाभी वो कैसे होगी? भाभी You forgot? I am. मैं मर गया था, भूत बन गया, फ्रिज में बैठा, बाहर निकला, खाना खाया, डांस किया। जेटलैग हो गया इसको, तबियत खराब है इसकी, तबियत खराब है इसकी, जेटलैग हो गया। मैं इसको अंदर ले जाता हूँ और उसको ठीक करता हूँ। अंदर अंदर आ जा तू, अंदर चल तू मेरे साथ अंदर।